और मेरे भाई लोग कैसे हो यार, होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली आपका भाई आ चुका है एक और अनदर नई वीडियो के साथ। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले अपनी BGMI के मंथ 14 रॉयल पास को आप कैसे बाय कर सकते हो, हाउ टू बाय मंथ 14 रॉयल पास। तो जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था, मैंने बोला था भाई कोई सोल्यूशन मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। तो फाइनली सोल्यूशन तो मिल चुका है एंड आई थिंक आपको पता भी चल गया होगा, नहीं पता है तो आपका भाई आपको यहाँ पे बताने वाला है। तो देखो यार, मुझे तो ऑलरेडी लगभग 2 घंटे पहले ही पता चल चुका था, बट हाँ फैमिली के कुछ रीजन की वजह से फिर बोल सकते हो घर में डेड थे, इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर सका। तो अभी यहाँ पे मैं आपको उसके लिए सॉरी। तो अभी यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग अपना रॉयल पास कैसे बाय कर सकते हो। डेली यहाँ पे आपको बाय करना पड़ता है अपना रॉयल पास। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, अपग्रेड पास पर क्लिक करता हूँ, सीधा यहाँ पे बैक ले जाता है। मेरे पास 0 UC है, यहाँ पे इसको बोलना चाहिए नॉट एनफ UC, बट डायरेक्टली यहाँ पे मुझे लोबी पे भेज दिया जाता है। तो आप कैसे बाय कर सकते हो वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली ये जो प्रॉब्लम है ना अपने को, बस किसी रीजन से नहीं आता, गेम को जो चीज रन करती है हर एक चीज यहाँ पे फाइल से चलता है। तो यहाँ पे हर एक चीज A to Z यहाँ पे फाइल पे सेट होता है। तो यहाँ पे नो रिकॉइल फाइल, नो स्मोक फाइल, ऐसे कुछ यहाँ पे लोग शेयर करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे हमारा PUBG मोबाइल का जो फाइल है यहाँ पे शेयर हो चुका है BGMI के लिए। दोनों चलता है, PUBG BGMI चलता है, कोई आईडी वाईडी बैन नहीं होगी, बिल्कुल सेफ है, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, आप यूज कर सकते हो बेझिझक। यहाँ पे गेम की तरफ से जो हमारा 2 MB का अपडेट आया था वो फाइल उन्होंने डिलीट कर दिया उधर से, ताकि आप रॉयल पास बाय ना कर सको। एंड वही फाइल यहाँ पे हमको मिल चुका है, अब वही फाइल हम यूज करेंगे एंड हमारा रॉयल पास बाय हो जाएगा। अगर आपको ये गुड़ागड़ी नहीं समझ में आया तो सिंपल सा फंडा है, सीधा गेम को काटो। अबे कट जा, सॉरी गाइस, यहाँ पे डिस्प्ले पे पानी आ चुका है इसलिए बारिश हो रही है। तो देखो टेलीग्राम पे जाना है, आपके भाई का नाम सर्च कर देना, यहाँ पे रोरिंग बादशाह, ये रहा रोरिंग बादशाह, सर्च करते आपको ये फाइल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 3 लोगों ने वॉच कर लिया है। तो ये जो आप यहाँ पे पैक फाइल देख रहे हो ना, सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, 8 MB का फाइल है। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपने जेड आर्चीवर के अंदर। अगर आपको नहीं पता ये क्या है, मैं आपको प्ले स्टोर पे लेकर चलूँ। तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च कर लेना जेड आर्चीवर। यहाँ पे इतना करोगे आपके सामने ये एक बोल सकते हो एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, 4 MB का एप्लीकेशन है, इजी टू यूज है, आप इसको एकदम इजी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। एंड ओपन करने के बाद जो भी परमिशन मांगेगा आपसे, आपको सारे परमिशन से यहाँ पे एक्सेस कर देने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आपको जाना है एंड्रॉइड के अंदर, डाटा के अंदर। एंड डाटा के अंदर जाने के बाद आपको अपना टेलीग्राम सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहाँ का भाई, लास्ट में ये हमारा टेलीग्राम। एंड फाइल्स के अंदर जाना है टेलीग्राम, एंड यहाँ पे आपको टेलीग्राम फाइल, ओ सॉरी इमेज में चला गया, एक सेकंड बैक होने दो। तो टेलीग्राम फाइल के अंदर जाना है एंड ये जो आप फाइल देख रहे हो इसको आपको सिंपली कर लेना है कॉपी। आप कॉपी करना चाहो कॉपी करो, कट करना चाहे तो आप कट भी कर सकते हो। एंड इतना करने के बाद आपको जो सबसे टॉप पे दिख रहा है टेलीग्राम फाइल लिखा हुआ, उसके ऊपर क्लिक करना है, डिवाइस मेमोरी के अंदर जाना है। एंड अगेन आपको एंड्रॉइड डाटा, अब इस बार आपको जो आपने कॉपी किया है उसको अपने पबजी मोबाइल के फोल्डर में पेस्ट करना है। बोलो भाई ये पबजी मोबाइल कहाँ से आएगा, भैया BGMI ही है बट अंदर से उसका मैटर चलता रहता है, उसका इंटरनल अफेयर है, तो उसको आप इग्नोर करो। आ गया भाई पबजी मोबाइल, अबे भाई आ जा यार, MIMIMIMI, ये हमारा PUBG मोबाइल। तो देख सकते हो हमारा BGMI का फोल्डर है com.pubgi मोबाइल। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है एंड फाइल्स के अंदर UE4 गेम, सेड आउट रेकर एक्स्ट्रा। एंड उसके बाद आपको जाना है सेव्ड के अंदर। सेव्ड के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक पैक्स करके फाइल देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 या 8 नंबर पे आपको जो भी देखने को मिलता है 9 नंबर पे, यहाँ पे आपको पैक्स के ऊपर क्लिक करना है एंड ODPACS के अंदर जाने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे जैसे ही आप अपने पेस्ट कर दोगे उसके बाद यहाँ पे भड़ाम से सब कुछ क्लियर कर देना। अब यहाँ पे आपका सब कुछ रामायण खत्म एंड सीधा अपने BGMI को ओपन कर लेते हैं, ये हमारा BGMI। एंड फाइनली यहाँ पे हमारा गेम ओपन हो रहा है एंड देखते हैं किस बार हमारा रॉयल पास परचेस होता है कि नहीं होता है। एंड अगर आप सोच रहे हो भाई यहाँ पे मेरे पास UC ही नहीं है, तो देखो यार भाई जब BGMI बैन का न्यूज आया था ना, आपका भाई बड़े जोश जोश में इशू उड़ा दिया था, तो इसलिए मैंने वीडियो भी प्राइवेट कर दी थी, इसलिए मुझे पता है मेरी वीडियो देख के बहुत लोग इशू उड़ा देंगे। देखो अपने को उतना फर्क नहीं पड़ता, बट जैसा कि मैंने बोला भी था दूसरी वीडियो में, भाई UC मत उड़ाओ, गेम का कोई भी सीन हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता भाई अनबैन का सीन, छोड़ो उसको इग्नोर करते, आप लोग को बुरा लग जाएगा दिल से। यहाँ पे अभी RP के अंदर जाऊंगा, अगर आप ग्रिड पास के ऊपर क्लिक करता हूँ देख सकते हो भाई साहब सीधा पोस्टर खुल के आया, फटा पोस्टर निकला, चूतिया आदमी नहीं, ये चूतिया नहीं, इसका नाम कुछ और है। तो सॉरी जो भी हो, मतलब पहले हम क्लिक करते थे हमको सीधा लोबी पे लेके जाता था, बट अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे इलाइट पास पे लेकर आया है। 360 UC पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको डिडक्टेड बोलो, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है हमको 60 UC का। ओके ऊपर क्लिक करेंगे, भैया UC नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे भी पता है साले, पोस्टर मत दे, कहाँ है बदनामी करा रहा है मेरी। तो खैर जैसा कि मैंने आपको बताया आप इस तरीके से ये रॉयल पास परचेस कर सकते हो, 100% वर्किंग है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है आप अपग्रेड पास के ऊपर क्लिक करते थे सीधा आपको यहाँ पे लोबी पे लेके जाता था, क्योंकि ये जो हमने पैक्स फाइल डाला ना, ये पैक फाइल हमारे गेम के अंदर से डिलीट कर दिया था
उसमें 2 MB का अपडेट आया था बीच में रिसेंटली, तो वो डिलीट कर दिया था, इसकी वजह से हम रॉयल पास बाय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी वो फाइल आपको मिल चुका है, तो आप गेम के अंदर डाल दो अपने, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया। बाकी आप एकदम इजी बाय कर सकते हो। एंड अगर आप बोलोगे मैं बाय करके दिखाओ, मैं नहीं करना भाई, मेरे को पैसे नहीं डालने हैं। मुझे भी पता है भाई गेम हो सकता है 10 दिन बाद बैन हो जाए, सर्वर चला जाएगा, तो मैं आपको अभी भी बोलना यही चाहूंगा मत बाय करो। हाँ फाइल वाइल डालना तो आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, रॉयल पास आपकी मर्जी। यूसी है तो खरीद लो, वैसे भी आपकी यूसी चली जाएगी। अगर आपके पास 360 यूसी है तो आप बाय कर लो, बिकॉज अगर नहीं बाय करोगे तो वैसे भी जाएगी। एंड अगर आ जाता है गेम तो अच्छी बात है। तो बाकी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आप एकदम यहाँ से बाय कर सकते हो। देख सकते हो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, कोई भी ग्लिच एंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो वो फाइल नहीं था एंड वो फाइल अभी आ चुका हमारे गेम के अंदर। अभी आप लोग एकदम इजी अपना रॉयल पास बाय कर सकते हो। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ख्याल रखना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।